कथा मैंने मेटालिक सरफेस इलिमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। चलो एक मेटल का सरफेस है हम लोग के पास, दिस इज द मेटल सरफेस, और इस मेटल के सरफेस पे हमने लैम्डा नाम का रेडिएशन डाल दिया। क्या ये लैम्डा सफिशियंट है फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के? हम लोग को नहीं पता, बताया जाएगा क्वेश्चन में। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका भी है, मतलब इसका जब इस पे लैम्डा डाले तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे जब तुम लैम्डा डाले हो मेरे भाई यहाँ से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए उनकी उनको कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए भी पोटेंशियल चाहिए। अब कहता है सेम सरफेस इलिमिनेटेड बाय 2 लैम्डा, अगर इसी सरफेस को मैं 2 लैम्डा रेडिएशन डाल दिया तो जो अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे क्योंकि आपने लैम्डा चेंज कर दिया है, तो वेवलेंथ एनर्जी चेंज कर दिए हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो गई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए उनको कम्प्लीटली रोकने के लिए भी अपन 4 वोल्ट हमें लगाना पड़ रहा है कट ऑफ पोटेंशियल। कहता है थ्रेश होल्ड वेवलेंथ ऑफ द लैम, इस सरफेस का मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा हमें निकालना जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। चलो तो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसपे हमें फोटो इलेक्ट्रिक हो उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। आसान क्वेश्चन है, 2 पार्ट में आइंस्टाइन की इक्वेशन लगा दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहले पार्ट के लिए अगर मैं लगाऊं तो एनर्जी इंसिडेंट आइंस्टाइन का इक्वेशन कहता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज होता है 1/2 mv², ठीक है। और हम सबको पता है कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv², इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है ना, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करते आ रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस EVC कट ऑफ लगा दो, VC कट ऑफ पोटेंशियल है। तो ये इक्वेशन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी VC के इक्वल है। अब इस इक्वेशन में डाल दो एनर्जी इंसिडेंट पहले के लिए लगाओ, एनर्जी इंसिडेंट HC/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन HC/λ₀ जो कि हमें चाहिए, और प्लस काइनेटिक एनर्जी EV हो गया पोटेंशियल पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दूसरे केस में ये लगाओ, दूसरे केस में लगाओगे तो HC/λ की वैल्यू 2 टाइम्स λ हो गया, ठीक है। और ये HC/λ₀ तो चेंज नहीं होगा, वर्क फंक्शन है भाई, कहाँ से चेंज होगा। प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ये EV/4 हो गया, दैट इज इक्वेशन से EV की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी HC/λ - HC/λ₀। ये और यहाँ से EV की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से EV की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। अगर इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, यहाँ से ईवी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ईवी की वैल्यू निकालो HC/λ - HC/λ₀ दैट इज इक्वल टू ईवी, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। और यहाँ से EV/4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी HC/2λ और -HC/λ₀। तो यहाँ से 4 से मल्टी, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो तो यहाँ से HC/λ - HC/λ₀ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4HC/2λ - HC/λ₀। हम लोगों को HC/λ₀ चाहिए तो यहाँ से HC खत्म हो गया, और यहाँ से 1/λ और -2 टाइम्स λ यहाँ से मिल गया, और इधर गया 1/λ₀ माइनस यहाँ से 4 टाइम्स λ₀ यहाँ से। तो ये हमें मिल जाएगा -1/λ इज इक्वल टू -3 टाइम्स λ₀, मतलब λ₀ की वैल्यू 3λ के इक्वल आ जाएगा, मतलब हम लोगों को λ₀ जो होगा जो थ्रेशोल्ड में 3 टाइम्स, मतलब हम लोग का बी ऑप्शन सही है ये वाला।